વાત કરીએ તો સમાચાર સુરતથી સામે આવી રહ્યા છે. સુરતથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, કહી શકાય સુરતમાં 15 દિવસથી ગુમ 27 વર્ષીય યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. તો સુરતના ઈચ્છાપુરના ગુમ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. કોસંબા પાસેથી ડિકમ્પોઝ હાલતમાં આ મૃતદેહ મળી આવ્યો છે, જેમાં પરિવારે હત્યાની આશંકા છે તે વ્યક્ત કરી છે. તો મૂળ પંજાબનો યુવક સિક્યુરિટીનું કામ કરતો હતો. તો સુરતમાં 15 દિવસથી ગુમ 27 વર્ષીય યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. સુરતના ઈચ્છાપુરના ગુમ થયેલા યુવકનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી છે. તો કોસંબા પાસેથી ડિકમ્પોઝ હાલતમાં યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. मेरा नाम गुरुनाम सिंह है सर. घटना ये हुई है कि ये लड़का 20 तारीख की नाइट का गायब है. परिवार ने 23 तारीख को हमारे पास फोन आया. हमने इसका जो है इच्छापुर पुलिस में भी तहकीकात हुई, उनके माध्यम से हम लोग इसका कोसंबा पुलिस था यानी कि उधर कोसंबा में इसकी लोकेशन आई है. फिर ये जो अमन है, ये अमन जो है पूरी गोल गोल घुमा रहा है. वहाँ 20 तारीख की नाइट की फुटेज है हमारे पास. इसमें इसके साथ कुछ बदतमीजी करते, मारपीट नहीं हुआ है मगर डराते धमकाते दिख रहे हैं. उसके बाद में ये लड़का, वो लोग बोले हम दो आदमियों ने बिठा के बाइक पे इसको छोड़ दिया पुलिस के पास. उसके बयान भी हैं, सब दर्ज करवाए हैं पुलिस ने. जिस दिशा में उन लोगों ने बोला है भी हमने लड़के को छोड़ा है, उसी ही दिशा से कल पुलिस ने ये बॉडी बरामद की है. उसके बाद में अभी ये सब इंक्वायरी का विषय बना हुआ है. हम चाहते हैं सब हमारा साथ सहकार दें. जो इसमें इन्वॉल्व है बचने नहीं चाहिए, जो बेकसूर है वो फंसने नहीं चाहिए. हमारी हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है मीडिया, पुलिस और यहाँ की सब जो मानव संस्थाएं हैं उनसे. एक एक मानव की जान चली गई है. इसको किसी धर्म, किसी जाति, किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए. हम परम प्रांति हैं. जो भी है हमारे साथ अन्याय होना चाहिए.